प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा होगा, सुना होगा या आपने पहाड़ी क्षेत्रों में यात्राएं की है तो महसूस किया होगा कि पहाड़ों पर जाने में हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, घबराहट होती है। आइए वीडियो के माध्यम से देखते हैं ऐसा क्यों होता है। पहाड़ों पर सांस लेने में दिक्कत आती है, यह हवा की कमी यानी ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से होता है। अब ऑक्सीजन निचले एरिया में कम क्यों नहीं होती और पहाड़ी इलाकों में ऑक्सीजन की कमी क्यों आ जाती है, यह हमारे मन में प्रश्न हमेशा आता है। तो यह है घनत्व का कारण। वायु का घनत्व पृथ्वी की सतह के पास ज़्यादा होता है और एक निश्चित ऊंचाई पर जाते जाने पर ऑक्सीजन का घनत्व कम होने लगता है, यानी वायु तो रहती है लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में जाने पर चक्कर आना, सिर भारी होना, उल्टी आना आदि के कारण ऑक्सीजन की कमी है। पहाड़ी क्षेत्रों में एपोक्सिया रोग हो जाता है और मनुष्य भूलने लग जाता है। पहाड़ों पर जाने वाले यात्री अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि यह ऑक्सीजन की कमी के कारण जल्दी थकान हो जाती है, इसलिए वे अपने ऑक्सीजन का टैंक लेकर चलते हैं जिससे उन्हें जल्दी थकान नहीं होती है। पहाड़ों पर पहले एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर व्यक्ति दशा अनुकूलन के कारण स्वयं को वहाँ रहने के लायक बनाता है, फिर उसके ऊपर ऊंचाई पर जाते हैं और पहाड़ पर चढ़ते हैं तो उस ऊंचाई का या वायु में ऑक्सीजन के कम घनत्व का कोई प्रभाव नहीं होता है। अब पहाड़ की ऊंचाई किस तरीके से नापी जाती है? पहाड़ की ऊंचाई समुद्र तल से ली जाती है। सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है और भारत में कंचनजंगा, K2 आदि ऊंचे पहाड़ स्थित हैं।